दिल्ली से रुड़की पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सरफराज अहमद सिद्दीकी का रुड़की पहुंचने पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहम्मद आदिल फरीदी और कांग्रेस कार्यकर्ता ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि भाजपा ने देश और प्रदेश का सिर्फ लूटने का काम किया है और इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। साथ ही साथ आज के कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के रुड़की दौरे के बाद कांग्रेस को और मजबूती मिलेगी। प्रदेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार को नकार चुकी है, जिसका जवाब इस बार विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा को देगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड चार धाम से जाना जाता है और उत्तराखंड की जनता की भी यही पुकार है कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने और साथ ही कांग्रेस को दो तिहाई बहुमत के साथ इस बार प्रदेश पे सरकार बनने जा रही है। वही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आदिल फरीदी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सरफराज अहमद सिद्दीकी का बुके देकर स्वागत किया और कहा कि आज के राहुल गांधी के दौरे और सरफराज अहमद सिद्दीकी के आने से कांग्रेस को बहुत मजबूती मिलेगी और कार्यकर्ताओं में खासा जोश है और जनता भी बदलाव चाहती है, जिसके लेकर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आ रहे मंगलोर विधानसभा में और हमारे सरफराज सिद्दीकी जी पहुँचे रुड़की विधानसभा में और हमने इनका स्वागत किया है और ये मजबूती मिलेगी हमारे सरफराज सिद्दीकी आने से और राहुल गांधी के आने से। मैं इनके प्रभावित होकर ही मैं कांग्रेस ज्वाइन की थी और बहुत ही अच्छे स्वभाव सरल इंसान है भाजपा का और तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ठीक है। और उत्तराखंड जो है ये चार धाम है, चार काम से जाना जाता है और राहुल गांधी तो बहुत एक स्वच्छ निष्पक्ष और हमारे माननीय नेता हैं और उनके आने का जो कार्यक्रम है उनके आने से कांग्रेस में जो जान आएगी तो आएगी। वैसे भी हमारे यहाँ जो जितने उम्मीदवार हैं सब अपने आप में एक काबिल और काबिले तारीफ हैं। उत्तराखंड के मुद्दे रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक, और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा। देवभूमि के बारे में देवभूमि के वासियों के साथ सिर्फ न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड पर, खबर उत्तराखंड की।